और भगवान ने कुछ सोचकर एक नंबर बदल दिया है। मैं आप सभी से अपील करने आई हूँ कि अगला चुनाव 2025 में होगा, अगला चुनाव 2025 में होगा। ऐसा विधायक चुनिएगा जो 2025 ही नहीं 2030 2035 तक आपको और दिल्ली को आगे ले जाने का जो है वो जिम्मेदारी उठा सके। दोनों उम्मीदवार 70 पार है, दोनों उम्मीदवारों को आप 15 में हरा चुके हैं, वो थके हारे फिर दोबारा मैदान में आ गए। कुछ बुढ़ापे में भी कुछ नेताओं का सत्ता और कुर्सी का लालच छूटता नहीं, वो उस कुर्सी को चिपके रहना चाहते हैं। जब तक पुरानी पीढ़ी सत्ता कुर्सी नहीं छोड़ेगी, कैसे और कब एक युवा पढ़ी लिखी नई पीढ़ी आगे आकर इस देश और दिल्ली की कमान संभालेगी। ये फैसला आपको करना है कि ईमानदार और 2025 तक जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करके इन इलाकों के विकास और दिल्ली को आगे ले जाए, आपको ऐसा विधायक चाहिए होगा। आप अगर उस आधी आबादी के बारे में सोचेंगे, उनकी तरफ देखेंगे, वो आधी आबादी हमारी माँ बहन बेटियों की है, आपको ऐसा विधायक चुनना होगा कि आज दिल्ली और देश के माहौल के अनुसार भगवान न करे कभी भी हमारी माँ बहन बेटियों को जरूरत पड़े, तो ऐसा विधायक चुनिएगा कि वो भी हाथ पकड़कर घर बिठाकर अपने विधायक से बात कर सके और आपकी विधायक उन्हें ताकत दे सके और इस आधी आबादी को इस विकास में अपने साथ ले सके। मैं फैसला आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूँ, कलम सौंपेंगे, यकीन दिलाती हूँ आपको निराश नहीं होने दूंगी। इस संघर्ष को यहाँ से दिल्ली तक आबादी ले जाने की जिम्मेदारी तय करके आई हूँ। कांग्रेस का हाथ आपका साथ अभी अलका लांबा छोड़ने वालों में से नहीं है, चाहे उसका संघर्ष कितना मर्जी लंबा हो जाए। आज सबने अपनी नाक का प्रश्न बना लिया है, जो दो पिछली बार हारे थे वो दोनों फिर चुनावी मैदान में है, अपनी हाथ का बदला मुझसे लेना चाहते हैं। ये हार और जीत जनता के हाथों में होती है कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा, लेकिन उनके उनके मन में आज भी मेरे लिए वो नफरत भरी हुई है, वो अपनी हार का बदला आपकी बेटी बहन से लेना चाहते हैं। बड़े बड़े फिल्मी सितारे, बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उन दोनों के प्रचार में खुद उतरे हुए हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उन दोनों के लिए रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये बेटी आपकी ये बहन को बाहरी गवाहों की जरूरत नहीं है। मेरे गवाह, मेरा संघर्ष, मेरे काम, मेरी ईमानदारी के गवाह यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बाहर से गवाहियों की जरूरत नहीं। ये पूरा चुनाव मैंने सिर्फ आपके दम पर लड़ा है, कोई एक बड़ा छोटा नेता मैंने अपने इलाके में नहीं बुलाया है, कोई फिल्मी सितारा मैंने नहीं बुलाया है, कोई बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं, रैलियां, लाखों रुपया मैंने नहीं खर्च किया है। मैंने सिर्फ घर घर जाकर, दरवाजे खटखटाकर, तीसरी चौथी मंजिल पर ऊपर नीचे जाकर अपने 5 साल के संघर्ष, ईमानदारी और कामों के बारे में बताया है, और अब फैसला आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूँ। कलम सौंपेंगे, फैसले लूंगी, संघर्ष के लिए चुनेंगे, ये बेटी बहन आपके लिए अपना संघर्ष आगे लेकर जाएगी, लेकिन अब दिल्ली को एक ऐसे मजबूत भविष्य के चेहरे की जरूरत है, क्योंकि पहला चुनाव है जो हम दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी के बिना लड़ रहे हैं, आज दिल्ली उन्हें याद कर रही है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, शीला दीक्षित जी का नारा था मेरी दिल्ली मैं ही सवार हूँ, अब उस नारे को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी बेटी और बहन के ऊपर आई है। ऐसा विधायक चुनिएगा जिसमें आप अपना
दिल्ली का बच्चों का भविष्य लंबा भविष्य देख रहे हो। ऐसा विधायक चुनिएगा कि आपके साथ कभी किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, भेदभाव हो रहा हो, एक आवाज दो, वो विधायक दौड़ा आपकी मदद के लिए आ जाए और आपके लिए संघर्ष करे, सड़कों पर उतरना हो या सदन में आवाज उठानी हो। मैं यकीन दिलाती हूँ, आप जब अपनी इस बेटी, अपनी इस बहन को विधायक बनाकर दिल्ली की विधानसभा में पहुंचाएंगे और जब जब आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन दिल्ली विधानसभा में बोलेगी, आपको फक्र महसूस होगा कि हाँ, ये हमारी आवाज है, हमारे हक अधिकारों की आवाज है, हमें न्याय देने की आवाज है। वो जब आवाज गूंजेगी आपको फक्र होगा, ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। आपको निराश नहीं होने दूंगी। ये इलाके अपने आप में बहुत चुनौती भरे इलाके, दिल्ली 6 चांदनी चौक, संकीर्ण गलियों से गुजरकर विकास को मुझे आगे ले जाना होता है। कहीं सीवर की लाइन, कहीं पानी की लाइन, कहीं गली बनानी है, कहीं ट्रैफिक जाम है, कहीं मेरे मजदूर भाइयों के लिए शौचालय, खाने पीने उठने विश्राम करने की जगहों की जरूरत है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि विकास को 5 साल में आपकी मदद से मैं आगे लेकर जाऊंगी, ये मेरा आपसे वायदा है। लेकिन आपका पूरा विश्वास, मुझे सहयोग ताकत चाहिए। चुनाव कल खत्म हो जाएगा, 8 फरवरी कांग्रेस हाथ का निशान, 1 नंबर बटन पर मैं अलका लांबा आपकी बेटी बहन खड़ी हूँ। 11 तारीख को टीवी खोलकर सब बैठे होंगे, आपकी ये बेटी और बहन भी बैठ जाएगी। पूरे देश की नजर भारत की राजधानी दिल्ली की इस चांदनी चौक दिल्ली 6 की सीट पर लगी होगी कि अलका लांबा का क्या हुआ है। और ये फैसला मैं भी देखना चाहूंगी कि मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ने, जितने भी यहाँ पर मेरे संघर्ष के साथी हैं, उन्होंने मुझे कलम सौंपी है या संघर्ष के लिए चुना है। कलम सौंपेंगे, विकास को लेकर जाऊंगी, वरना यह हाथ आपका साथ अब अलका लांबा नहीं छोड़ेगी जब तक दिल्ली तक हम विकास को न लेकर जाए। बहुत बहुत